ये कहानी है एक भूत बंगले की। ये भूत बंगला शहर से थोड़ी दूर था और कई सालों से बंद पड़ा। लोग कहते थे कि उस बंगलों के मालिक ने वहाँ पर सुसाइड किया था और उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। सभी लोग वहाँ से गुजरने से डरते थे, कोई भी वहाँ अकेले नहीं जाता था। एक दिन वहाँ कुछ बच्चे पास के मैदान में खेल रहे थे और खेलते खेलते मस्ती में वो बच्चे भूत बंगलों में घुस गए। पर थोड़ी ही देर बाद सभी बच्चे भूत भूत चिल्लाते हुए डर के मारे बाहर भाग आए। सभी बच्चे बहुत डरे हुए थे और सीधे अपने मम्मी पापा के पास गए और भूत बंगलों में जो हुआ उनके साथ वो बताने लगे। ये सुन घर वालों ने भी बच्चों को डांटा और कहा कि तुम लोग उस भूत बंगलों के पास क्यों गए? कितनी बार समझाया है कि वहाँ पर जाना खतरनाक साबित हो सकता है। वही उनमें बंटी भी खड़ा हुआ था। वो सोच रहा था कि मेरे दोस्तों ने ऐसा क्या देख लिया जो वो इतना डरे हुए हैं। तब बंटी ने उस भूत बंगलों में अकेला जाने का फैसला लिया ताकि वो देख सके किस चीज़ ने उसके दोस्तों को इतना डरा दिया। बंटी बहुत ही साहसी और बहादुर लड़का था। बंटी जैसे ही भूत बंगले में घुसता है वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। एकदम सन्नाटा छाया हुआ था, पूरा माहौल बहुत डरावना लग रहा था। पर बंटी धीरे धीरे चलते हुए ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। तभी उसे कोने वाले कमरे से कुछ आवाज़ आई। वह जैसे ही कोने वाले कमरे में पहुंचा, वहां पे एक आदमी रह रहा था। वह आदमी अपने खाने में इतना व्यस्त था कि उसका बंटी की तरफ ध्यान गया ही नहीं। बंटी ने उस आदमी को पहचान लिया था। वह एक मशहूर चोर राका था। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसे ढूंढ रहा था और उस पर लाखों का इनाम था। तभी बंटी ने तुरंत बाहर आके इंस्पेक्टर बुलबुल को फ़ोन लगाया और सारी घटना बताई। ये सुन इंस्पेक्टर बुलबुल तुरंत बंटी के पास पहुंच गए। तब बंटी उन्हें अपना पूरा प्लान समझाता है। बंटी कहता है, इंस्पेक्टर साहब, मैं चोर को आगे से जाके अपनी बातों में उलझाऊंगा और आप पीछे से आके उसे दबोच लेना। दोनों प्लान के मुताबिक जाते हैं। तो बंटी जैसे ही आगे से जाता है तो राका उसे देख लेता है। राका बंटी को देखते ही बंदूक हाथ में ले लेता है और पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? तब बंटी बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाने आया हूँ, तुमने बहुत डरा लिया भूत बन के। तब राका कहता है, बच्चे तू जब जिंदा बचेगा तब सबक सिखाएगा ना। तभी इंस्पेक्टर बुलबुल पीछे से आके राका की बंदूक गिरा देते हैं। इंस्पेक्टर बुलबुल को देख राका घबरा जाता है और डर के मारे माफ़ी मांगने लगता है। तब इंस्पेक्टर बुलबुल राका को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर सभी बंटी की हिम्मत की दाद देते हैं और राका पे जो इनाम था वो बंटी को मिल जाता है और बच्चे वहाँ पर बिना डरे खेलने लगते हैं। अब लोगों के दिल से भूत बंगले का डर निकल जाता है। बुलबुल टोन्स अ किड्स चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलना।